हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, परसेंटाइल रिड्यूस होगी तो कितने परसेंटाइल रिड्यूस होने के चांस हैं। ऐसे ही काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर बनी है, लेकिन सटीक वीडियो अभी तक कोई नहीं है। इसीलिए काफ़ी व्यूवर्स का मांग थी, कमेंट्स थे कि सर बताइए कि विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, या कि जो आपके परसेंटाइल रिड्यूस होने के कितने चांस हैं। इन तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर दो, ताकि मैं वीडियो बेहतर से बेहतर बनाऊं और आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, देता रहूंगा। एक मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो आया था, सिलेबस के ऊपर वीडियो मांग थी, तो उसके ऊपर मैंने सिलेबस क्या क्या है वीडियो बना दिया है, जाके देख सकते हैं। और सिलेबस की PDF भी चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में इस बार डाल दिया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का चैनल को। बात करते हैं परसेंटाइल के ऊपर कि विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन होने हैं या नहीं। तो देखो, विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन नहीं होंगे, और जिन लोगों ने विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन लास्ट ईयर लिए थे, उन लोगों की हालत आज के दिन तुम देख सकते हो। सभी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज से बाहर हैं, जहां तक के अधिकारी जेल में हैं। एक मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कौन से अधिकारी ने कितनी रिश्वत ली थी, ये भी जानकारी आ चुकी है। इसीलिए इस बार आयुष मंत्रालय ने काउंसलिंग कमेटी का गठन किया था अलग से, और अलग प्रक्रिया से काउंसलिंग कराई गई है। तो समझ लीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए अपने से कि विदाउट नीट क्वालिफाई भी एडमिशन होंगे, विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन नहीं होंगे। बैच 20-21 में एडमिशन नहीं हुए थे, 21-22 में एडमिशन नहीं हुए थे, और 22-23 में भी विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन BAMS में किसी कीमत पर नहीं होंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। काफ़ी कॉलेज वाले फीस ले लेते हैं, हाँ होंगे करा दूंगा, लेकिन नहीं होते बाद में। और लास्ट ईयर क्या हुआ था कि काफ़ी कॉलेजों ने विदाउट नीट क्वालिफाई बच्चों के मार्क्स बढ़वा करके और काउंसलिंग करा करके एडमिशन लिया था। आज वो सभी बच्चे मेडिकल कॉलेज से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे 30 से ज़्यादा कॉलेज थे जिनमें ऐसा हुआ था, वो सभी बच्चे बाहर हैं। उनका फीस भी रिटर्न कॉलेज वालों ने नहीं किया है अभी तक, ऐसा मेरे संज्ञान में जहाँ तक है वहाँ तक मैं बता रहा हूँ, और ये बात सही है। और आपके जो उमाकांत यादव एस एन सिंह तो वर्तमान में भी जेल में भी हैं। आज का ही अखबार का कटिंग में देखा था, उसमें दिखा रहा था कि इन्होंने इतनी रिश्वत ली है, इन्होंने इतनी, जहाँ तक कि आयुष मंत्री भी उस घोटाले में शामिल है। तो भाई साहब, ऐसा कभी मत करना कि विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन कोई कॉलेज वाला ले, खास करके आप यूपी में तो मत ही लेना, यूपी में गवर्नमेंट बहुत सख्त है, तो यूपी में विदाउट नीट क्वालिफाई एडमिशन मत लेना, है ना। ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, आगे का मैं बनाऊँगा एक और वीडियो, वो देखने के लिए आप जल्दी हमारे चैनल से सब्सक्राइब करते रहें बस।